ममता ताई, वैसे हुँ? भी कल गणेश चतुर्थी है। चौल के पंडाल में गणपति बाबा आ ही रहे, फिर आज क्यों पूजा करवा रही हैं? रात को बुरे सपने आते हैं। जब से हम इस घर में आए हैं, चाल वाले इस घर को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मन की शांति के लिए सोचा पूजा कर भी लो। फिर नेक काम में देरी क्यों? अपने बहू बेटे को बुला लीजिए, गणेश पाठ में पूरे परिवार को साथ में होना चाहिए। पंडित जी, मेरा बेटा भगवान में नहीं मानता। उसे पता था कि आज पूजा है, बाहर निकल गया। बहू की तबीयत सुबह से खराब है, आप पूजा कीजिए ना। जी जरूर। माझा सासर आहे, इथे कोणीही येऊ शकत नाही। वो कमली नहीं है। चलो वो कमली काव्या, अरे कुएं के पास क्या करेगी तू? अरे काव्या, काव्या नीचे उतर, नीचे उतर, क्या कर रही है वहां पे? उतर नीचे। क्या कर रही है वहां पे? पूजा में बैठने के लिए कहा तो तेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी कुएं के पास बैठी है। नहीं आई, वो अंदर घुटन सी महसूस हो रही थी, मैंने सोचा बाहर ताजी हवा में आ जाऊंगी तो अच्छा लगेगा, और पूजा में बाधा ना आए इसलिए मैं खिड़की से चली आई। ठीक है, चलिए ये बप्पा का प्रसाद ले ले। अरे ले। क्या हुआ? क्या बात है पंडित जी? आपकी बहू को मदद की जरूरत है। कोई बुरा साया है, पूजा करवानी पड़ेगी। क्या पंडित? मेरा ही घर मिला लूटने को। संजय, ये कैसी बात कर रहे हो? माफी मांगो उनसे। आई, ये इन लोगों के पैसे कमाने के हथकंडे हैं। जाओ यहाँ से। अभी मैं जा रहा हूं और आपको मेरे पास जरूर आना पड़ेगा। प्रार्थना करता हूं तब तक देर ना हो जाए। काव्या, काव्या, काव्या कहाँ चली गई? कितनी देर लगा दी आने में मन्नू, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मन्नू,
ये मनु कौन है? क्यों? प्यार से मैं तुम्हें मनु नहीं बुला सकती। अच्छा सुन, एक खुशखबरी है, मेरा ना रिटर्न क्लियर हो गया है, कल इंटरव्यू है। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया मैंने अपनी छोटी बहन को, कुछ फायदा नहीं हुआ। सबने यही कहा कि अवृत्ति के दिमाग का इलाज नहीं हो सकता, पर आप देर होने से पहले बचा लीजिए अपने परिवार को। काहे बोलते हैं? मैं समझ नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। कमली, 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 वो उसका ससुराल है, ले जाएगी तेरे बेटे को, ले जाएगी। अहो, कमली इसी चाल में रहने वाली लड़की थी। लोग बाग कहते थे वो जादू टोना करती है, पता नहीं पर इतना जरूर पता है, आपके घर में पहले कांताबाई और उसका बेटा मनोज रहते थे। कमली मनोज के पीछे पागल थी, दिन भर मन्नू मन्नू कहते हुए उसके पीछे घुमा करती। देख कमली, जिद मत कर, जो देर हो रही है नीचे उतर। जिद तो तू कर रहा है, तू पहले हाँ बोल, तू मुझसे शादी करेगा तो ही मैं नीचे उतरूंगी। बोल बोल, करेगा मुझसे शादी? बोल दो ना, बोल दो, हाँ बोल दो। गिर जाएगी। अरे बोल। नहीं करेगा ना मुझसे शादी? ठीक है, मैं अभी यहाँ पे आ गई। ठीक ठीक, रुक 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 रुक, ठीक है, मैं शादी करूँगा, आ जा नीचे उतर। कमली मनोज की माँ को भी मनोज का कोई काम नहीं करने देती थी, पागल थी मनोज के पीछे। लेकिन फिर क्या हुआ? मनोज ने किसी और से शादी कर ली और कमली ने चाल के कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। इस हादसे को देखकर मेरी बहन पागल हो गई। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी उसने मनोज और उसकी बीबी को मार डाला। कांता भाई अपना घर बेच के गांव जा रही थी, वो भी किसी एक्सीडेंट में मर गई। जितनी जल्दी हो सके वो घर छोड़ के भाग जा, बचा ले अपने परिवार को, वरना कमली किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे ये अचानक क्या हो गया तुझे? पहले तो दूर भागती थी हुँ? लेकिन अब मैं पास आना चाहती हूँ मन्नू, बहुत पास। हाय, ये बात सुनने के लिए मैं तो तरस गया था, लेकिन आज नहीं। सुनना, मेरा जॉब इंटरव्यू है, अगर इंटरव्यू क्लियर हो गया तो जॉब पक्की, फिर हम ये चौल छोड़ देंगे। अच्छा अब मुझे पढ़ने दे। हाँ इसे भी अभी फ्यूज होना था, बाहर जाके पढ़ता हूं। मनु, ससुर है मेरा, ससुराल है ये, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ पता है, किसने मना किया है? चल अब जाके सो जा, मुझे पढ़ने दे, कल सुबह इंटरव्यू है मेरा। मत जाना मन्नू, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम बाहर चले जाते हो, मेरे साथ ही रहो। फिर से मन्नू, बहुत हो गया तेरा मन्नू मनुआ। और कैसे ना जाऊं, जॉब इंटरव्यू है मेरा। वैसे तुझे कल से हो क्या गया? हाँ पहले पास नहीं आती थी, अब पीछा नहीं छोड़ रही। चलता हूं।
मुझे मेरा मन्नू मिल गया।